अज एक आरटीआई च होए खुलासे बारे करांगे गल कि आखिरकार पंजाब दे मुख्यमंत्री हवाई यात्रा च किन्ना करदे ने खर्च। इस तो पहला पंजाब सरकार विच जिन्ने भी मुख्यमंत्री रहे उन्होंने किन्ना कीता सी खर्च, जदों वह भी जानकारी सांझी की जाती सी। तो हुण दसांगे पंजाब दे मौजूदा मुख्यमंत्री भगवंत मान दा हवाई झूटियां दा खर्च। ABC पंजाब वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत, मैं हाँ संदीप लादूका। अज असी गल करांगे पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान दे हवाई झूटियां दे सफ़र दे खर्च बारे। इस तो पहला पंजाब दे मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल होण जां उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल होण जां इत्थों तक कि कांग्रेस वेले जे सत्ता विच आई जदों तां पंजाब दे अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह दा सफ़र होवे जां मुख्यमंत्री जदों कांग्रेस दे समें विच कुछ समय दे लई चरणजीत सिंह चन्नी रहे, उन्हां दे खर्चां दा वेरवा वी तुहाडे नाल समें समें ते सांझा करदे रहे हां। पर हुण गल करांगे मौजूदा मुख्यमंत्री भगवंत मान दी। जेकर औसतन खर्च की गल करिए 2022 दे विच हैलीकॉप्टर का जिहड़ा महीनावार खर्च है वह तकरीबन 8,11,899 रुपए हुंदा रहा। जनवरी 2022 विच भी यही रकम रही, फरवरी 2022 विच भी यही रकम रही, तो मार्च 2022 दे विच भी यही रकम रही 8,11,899 रुपए कल्ला हैलीकॉप्टर का बिल आउंदा रहा। इस तों इलावा किराए ते खरीदे जां फिर तेल का खर्च किन्ना होया, पायलटां का किन्ना खर्च होया, इह सारे वेरवे एक RTI दे विच खुलासा किया गया। बठिंडा तो RTI एक्टिविस्ट जो ने संजीव गोयल उन्होंने एक RTI पाई जिस दे विच 105 पन्नियां दे विच अर्बन एयर एविएशन विभाग के डायरैक्टर वालों पत्र नंबर 2022 दे विच 583 नंबर पत्र है जिहड़ा, उस दे विच 105 पन्नियां दे तहत यह जानकारी आउंदी है जिस दे विच 2 जनवरी 2022 तो लैके 3 मई 2022 तक का हैलीकॉप्टर का और हवाई सफ़र का खर्च है जिहड़ा वेरवे दिते गए ने। उन्हां बिलों दे विच होर की है, उन्हां बिलों दे विच खर्च कादा कादा है ये जे दस दईए तां हवाई खर्चियां का बिल है, उस विच पायलटां दी रहायश दा बिल है, पायलटां दे टैक्सी बिल भी शामिल ने, तेल खर्चा शामिल किया गया, हैलीकॉप्टर दी मरम्मत आदि दे खर्चे भी इसे बिलां दे विच शामिल किए गए ने। हैरानी उदों होई जदों इह पन्नियां दी रिपोर्ट नूं पढ़दिआं होइआं RTI विच जदों खुलासा किया गया तां मार्च 2022 दे विच ही CM दी हवाई यात्रा जिहड़ी पंजाब नूं 73,65,717 रुपया दे विच पई है। तो इस तरह एक वेरवे दे विच इह भी दस्या गया कि कई बार तो हवाई सफ़र मुख्यमंत्री का 4 लाख प्रति घंटा भी पिया। तो जिते ही एक पासे पंजाब दे सरकारी खजाने ते बोझ की गल चलती है, इतों तक कि पंजाब विच सत्ता विच आउण तो पहला पंजाब दे बनन वाले मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने चोण प्रचार विच भी यह कहा कि पंजाब दी लगभग 3 करोड़ आबादी ते 3 लाख करोड़ का खर्चा है, यानी कि कोई भी पंजाब दे विच जन्म लैंदा ते उसके सिर भी घट्टो घट 1 लाख का करजा हुंदा, पर ये करजे नूं लाउण लई असी माफिया दे नत्थ पावांगे और खर्चियां नूं घटावांगे। ये दलील एक पासे मुख्यमंत्री दी बिल्कुल वाजिब है कि खर्चा और कर्जा जिहड़ा पंजाब दे सिर ते बहुत भारी है, पर इस तरह हवाई सफ़र दे उत्ते खर्चा जो किया गया मौजूदा मुख्यमंत्री वालों भी वह भी असी तुहाडे नाल सांझा कर रहे हैं। बहुत सारे दे लोगों के मन सवाल होणगे कि प्रोटोकॉल हुंदा जेकर मुख्यमंत्री सड़की आवाजाई दे राही सफ़र करन तां बहुत सारे कामां दे विच तेजी नहीं आ सकती, असी भी इस गल नूं मनदे हां, पर असी सिर्फ RTI दे तहत मिली जानकारी दा तुहाडे नाल इह खुलासा जिहड़ा उह सांझा कर रहे हैं कि इस दे विच की तत्थ ने, किन्ना किन्ना खर्चा किया गया। हुण तुहानूं असी डिटेल दे विच इह दसांगे कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किहड़े-किहड़े समें किन्ना किन्ना हवाई सफ़र दे उत्ते खर्च किया। मार्च 2022 दे विच मुख्यमंत्री भगवंत मान दे हवाई सफ़र दे विचों जिवें तुहानूं दस्सिया है कि तकरीबन 73,65,717 रुपए खर्च होया, पर महज 2 दिन जदों मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खटकड़ कलां दी धरती ते सहुं चुक समागम रख्या सी 15 मार्च ते 16 मार्च नूं हुई 55 लाख तों वध दा खर्च हवाई सफ़र ते हो गया। थोड़ी जानकारी जो दित्ती गई है उस दे विचों सांझी करांगे मोटे तौर ते कि 16 मार्च दी
गल करिए 2022 दिल्ली तो आदमपुर, आदमपुर तो दिल्ली 400,000 प्रति घंटे का सफ़र है जिहड़ा पिया, 2 घंटे 35 मिनट का सफ़र है जिहड़ा वह 13,66,833 रुपए दे विच पैंदा है। इस तरह 16 मार्च 2022 नूं ग्रेटर नोएडा तो चंडीगढ़, चंडीगढ़ तो आदमपुर तक और आदमपुर तो खटकड़ कलां तो आदमपुर और आदमपुर तो फिर चंडीगढ़ तकरीबन 2.5 लाख प्रति घंटा का सफ़र है जिहड़ा पिया। तो उस दिन हवाई सफ़र रहा 5 घंटे 30 मिनट, तो इस दी राशि तकरीबन 16 लाख तो भी वधदी हो जाती है, 16 लाख का बिल बनता है। तो इस तरह 15 मार्च की गल करिए ग्रेटर नोएडा तो चंडीगढ़, चंडीगढ़ तो आदमपुर का सफ़र है जिहड़ा वह भी हवाई सफ़र दे राही जदों कीता जांदा है तां ग्रेटर नोएडा तो 2,15,000 प्रति घंटे है जिहड़ा सफ़र पैंदा है, और ये कुल 15 मार्च का जिहड़ा सफ़र रहिंदा है वह 6 घंटे 15 मिनट यानी कि 18,03,925 रुपए दे विच सफ़र पंजाब दे खजाने दे उत्ते जिहड़ा दे विचों खर्चिया जांदा है। तां इसे तरह गल करिए 5 मार्च की, तो 2022 तो दिल्ली तो चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ तो अमृतसर, तो फिर चंडीगढ़ तो दिल्ली 1,60,000 प्रति घंटा जिहड़ा पैंदा सफ़र, और 4 घंटे उस दिन हवाई सफ़र किया जाता है। इस दे विच कुछ जिहड़े वेरवे ने, हालांकि भगवंत मान मुख्यमंत्री ने मार्च महीने दे विच सत्ता संभाली, पर उस तो पहला जिवें असीं दस चुके हैं कि जनवरी दे विच भी इसे तरह हैलीकॉप्टर का सिर्फ खर्चा जिहड़ा 8,11,899 रुपए पैंदा रहा, इसे तरह फरवरी ते मार्च विच भी पैंदा रहा, पर इस तो इलावा जो किराए ते लए गए हवाई सफ़र का खर्च भी विच शामिल किया गया वह खर्च भी असीं तुहाडे नाल सांझा कर रहे हैं। तो जेकर गल करिए इस तो इलावा खर्चों की, तो इस तरह इसका वेरवा दिता जाता है। जो आर टी आई दे विच बिल दिते गए ने उन्हां बिलों दे विच जिहड़ा खर्चा है हैलीकॉप्टर दे बेरिंगा दी खरीद है जिहड़ी कीती गई, आयात ते आवाजाई दे लगभग 22 लाख खर्च किया गया। इसे तरह बिलों दे अनुसार हैलीकॉप्टर दे ट्रांसमिशन ते 3,74,763 रुपए खर्च किए गए ने, ते बिलों दे अनुसार ही हैलीकॉप्टर दी 24 वोल्ट बैटरी ते 3,29,716 रुपए खर्चे गए। हैलीकॉप्टर के 24 महीनों के निरीक्षण से 1,73,250 रुपए खर्च किए गए, जिसका बिल 5,000 प्रति घंटा की दर नाल तय किया गया सी। तो इस तरह गल करिए 3,01,484 रुपए बिलों के पायलटों की रहायश, उन्होंने टैक्सी का खर्चा भी इस विच शामिल किया गया, एक पायलट के होटल विच रुकण का खर्चा प्रति दिन का 10,000 रुपए खर्चा इन्हां बिलों के पाया गया। तो पायलट के 22,000 रुपए प्रति दिन के आधार पर बिल पास किए गए हैं, जिस विच 3,06,648 रुपए बिल दिते गए हैं। इस तरह तेल के बिलों की कापियां की गल करिए 12,56,520 रुपए इस दे विच शामिल किए गए हैं। तो यह वेरवा असीं तुहाडे नाल सांझा किया कि जो आर टी आई दे विच बिल दिते गए ने, यह आर टी आई दे तहत जो जानकारी हुण तक दिती गई 105 पन्नियां दे विच उह असीं तुहाडे नाल सांझी कीती है। सानू उम्मीद है कि इन्हां बिलों के वेरव्यां नूं तुहाडे नाल सांझा करना इस करके भी जरूरी है कि जिथे तां हवाई सफ़र करना बनता है, बिल्कुल होना चाहिए जेकर पंजाब का कोई काम हवाई सफ़र दे करके रुकदा, पर जेकर जिथे सर्द है नहीं खर्चे घटाए जा सकते ने, तो उत्थे खर्चे बिल्कुल घटाए जाने चाहिए ने, ता कि पंजाब दे उत्ते करोड़ों का लखां का जिहड़ा बोझ है उसनों होर हल्का किया जा सके। और जिमें कि भगवंत मान मुख्यमंत्री पंजाब दे शब्द ने कि माफिया तो दे विच्चों निजी जेबां दे विच जाण वाले पैसों भी इकट्ठा करके सरकारी खजाने विच भरिया जाना चाहिए, तो इसका भी लोगों भी साथ देना चाहिए और सरकार भी सुहिरद हो के सोचना चाहिए ता कि इस दे उत्ते काम किया जा सके और पंजाब नूं आर्थिक बोझ तो मुक्त किया जा सके। फिलहाल इस रिपोर्ट विच इन्ना ही, मैनू दुआ गया, धन्यवाद।